अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज राबिया हसन एंड यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। सो अपनी पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि द लेजेंड ऑफ मौला जट का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बड़ा ज़बरदस्त है और जब हम सिनेमा में जाके इसको देखेंगे और सुनेंगे तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। बट आइसिंग ऑन द केक इज़ के लेजेंड ऑफ मौला जट को अब आप एटमॉस में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट्स एन इनक्रेडिबल न्यूज़। सो बेसिकली डॉल्बी एटमॉस जो है वो एक बहुत ही लेटेस्ट एडवांस्ड 3D सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी है विच यू नो एलिवेट्स योर ऑडियो एक्सपीरियंस। और इसमें आपको फीलिंग ये होती है जब सिनेमा हॉल के अंदर बैठ के आप जो विजुअल स्क्रीन पे देखते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे उसी एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा हैं। पहले वक्त में हम लोग रेडियो सुना करते थे विच वॉज मोनो ऑडियो चैनल। फिर स्टीरियो का रिवाज हुआ। स्टीरियो बड़ा कॉमन था और घरों में बड़ा यूज़ होता था। इट वॉज बेस्ड ऑन यू नो टू स्पीकर्स, फ्रंट पे दो होते थे। उसके बाद मल्टी चैनल का एक ट्रेंड शुरू हुआ जिसके अंदर जो है 5 से 7 स्पीकर्स होते थे और होम थिएटर्स में ये बड़ा कॉमन था जिसमें दो फ्रंट पे, राइट, लेफ्ट और पीछे दो स्पीकर्स होते थे। लेकिन 2012 में जब डॉल्बी एटमॉस इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके अंदर उन्होंने एक एडिशन की ओवरहेड स्पीकर्स की एंड इट वॉज अ कम्प्लीट यू नो एक्सप्लोसिव किस्म की एक रेवोल्यूशन थी इन साउंड टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा मैं फ़र्क आपको बता देती हूँ डॉल्बी और एटमॉस का। वो ये कि डॉल्बी जो है वो एक 2D साउंड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपको बेहतर क्वालिटी का साउंड सुनने को मिलता है। उसमें आपको बेहतर डायलॉग सुनने को मिलते हैं, वॉल्यूम एडजस्ट हो जाता है फ्रॉम लो टू हाई ऑटोमेटिकली और इस तरह के फीचर्स हैं इसके अंदर डॉल्बी में। लेकिन एटमॉस जो है इट्स अ कम्प्लीट गेम चेंजर इन द सेंस दैट इट यू नो फूल्स योर ब्रेन इनटू थिंकिंग के साउंड जो है वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है चारों तरफ और आपको फीलिंग ये आती है कि साउंड फ्लोट कर रहा है यू नो इन द स्पेस समहाउ। इसका साउंडस्केप जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है इस तरह से कि आप जिस तरह रियल लाइफ में आप साउंड को एक्सपीरियंस करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप सिनेमा हॉल में बैठ के आपको लगता है। एंड इट्स ऑल्सो वेरी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक इन द सेंस के अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं गाड़ी राइट टू लेफ्ट मूव की है तो बिल्कुल उसी तरह से आप उसके साउंड को भी आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो भी वैसे ही सुनेंगे आप। फिल्म मेकर्स के लिए फिर इसमें जो है बड़ी एक ज़बरदस्त एक रेवोल्यूशन है उनके लिए क्योंकि अब वो अपने साउंड को बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। किस ऑब्जेक्ट का साउंड उनको लाउड चाहिए, लो चाहिए, whether they want it diffused, जिस तरह का भी उनको चाहिए। सो अब एक बेहतर तौर पर वो अपने साउंड को यू नो हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट के जो डायरेक्टर हैं बिलाल लशारी वो अपनी फिल्म का साउंड इस वक्त एटमॉस में करा रहे हैं टर्की किसी लैब से। सो वी कैन जस्ट इमेजिन कि वो क्या ज़बरदस्त अमेजिंग किस्म का हम एक्सपीरियंस करेंगे जब हम जाएंगे फिल्म देखेंगे। ये पाकिस्तान की दूसरी फिल्म होगी जिसका साउंड एटमॉस में किया गया है। उससे पहले जामी की फिल्म थी मोर, दैट वॉज ऑल्सो डन इन एटमॉस। इस वक्त पूरी दुनिया में 6,000 सिनेमाज मौजूद हैं विच आर एटमॉस इनेबल्ड, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास सिर्फ 5 ऐसी स्क्रीन्स मौजूद हैं और वो भी लाहौर में, जिनमें एक दिन में दो जो हैं वो अल्ट्रा स्क्रीन्स हैं, यूनिवर्सल में एक मैक्सिमस है क्यू सिनेमा में, देन वी हैव 1 इन इंपीरियल मॉल और एक जो है वो मौजूद है पैकेजेस मॉल में, सिनेपेक्स में। सो वी डू होप कि कराची में और बाकी शहरों में भी ऐसे सिनेमा स्क्रीन्स अवेलेबल हों, उनमें फैसिलिटी अवेलेबल हो ताकि हमारे जो मूवी गोअर्स हैं, जो सिनेमा गोअर्स हैं, वो भरपूर तरीके से फिल्म का मज़ा ले सकें।